हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज, बताइए जो फलों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होमोलॉजी, पोमोलॉजी, क्रेटोलॉजी या फिर मिकोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बनिहाल पास लोकेटेड, बताइए बनिहाल पास कहाँ है, सिक्किम, यूके, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल। तो देखिए बनिहाल पास जो है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कौन सी कंट्री में अभी हाल ही में आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया, इंडोनेशिया, रशिया, श्रीलंका या फिर इसराइल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसराइल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड, बताइए एलिफेंटा केव्स जो है ये कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स की बात करें भाई, ये आपके महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सस्पेंडेड विच कंट्रीज ओलंपिक कमेटी, बताइए अक्टूबर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कौन सी कंट्री के ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड किया गया था, इंडिया, रशिया, चाइना या फिर पाकिस्तान। तो भैया अक्टूबर में जो है ना, ये रशिया के ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड कर दिया गया था, किसके द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए कुंभलगढ़ किला जो है ये कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका या फिर राजस्थान। ज़्यादातर फोर्ट्स जो होते हैं ना ये राजस्थान में ही होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ये आपका कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, बताइए वैसे अगर गेटवे ऑफ इंडिया आता है, विच स्टेट आता है, यहाँ पे सिटी के जगह पे स्टेट भी आता है ना। अगर स्टेट आए तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु स्टेट को जो है कहा जाता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। लेकिन अगर सिटी आए तो तमिलनाडु की कैपिटल आपको याद रखनी है चेन्नई, तो चेन्नई सिटी आए तो चेन्नई, और अगर स्टेट आए तो तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव बिल, सॉरी बिल नहीं है विल है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव विल ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, बताइए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको किस जगह पे आयोजित किया गया था, बताइए मुंबई, रियाद, अबू धाबी या फिर दोहा। ये जो है ना ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, आयोजित किया गया था आपके ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब की कैपिटल, सऊदी अरब में, ठीक है सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुशील चंद्र, सुकुमार सेन, अजीत गुप्ता या फिर राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं ये अभी इंडिया के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और आपको याद रखना है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर एससीज फॉर्मड, बताइए अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था, कौन से साल में, 1999, 2001, 2004 या फिर 2007। इसका गठन किया गया था इन द ईयर 2004। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द टेन्यूर ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया में जो कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं जो कि आपके अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, तो ये इनका टेन्यूर कितने वर्षों का होता है, कार्यकाल 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। 6 वर्ष का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, याओशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, बताइए याओशांग फेस्टिवल कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र। याओशांग फेस्टिवल की बात करें तो ये मणिपुर स्टेट में मनाया जाता है। व्हाट इज रेंसिडिटी, क्या है बताइए, रेंसिडिटी क्या है, एसिड रेन, फ्रूट रिपाइपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या फिर ब्लीचिंग। ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, रेंसिडिटी। अगला क्वेश्चन है, ओशन करंट्स आर एन एग्जांपल ऑफ, ओशन करंट्स जो है ये किसका एग्जांपल है, कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेशन या फिर रेडिएशन।
भाई ओशन करंट्स जो है ना एग्जांपल है किसका, कॉन्वेक्शन का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है चिराग स्कीम जो लॉन्च किया था EWS स्टूडेंट्स के लिए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर या वो यूके। ये आपके कौन से स्टेट ने, हरियाणा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन मार्च 2022 विच स्टेट अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन। मार्च 2022 में कौन से स्टेट ने अनाउंस किया सुषमा स्वराज अवार्ड वुमेन्स के लिए, है ना। सुषमा स्वराज आपको पता है कौन है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा स्टेट ने जो है अनाउंस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। बताइए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई मैंने आपको बताया था टोटल इंडिया में 19 रेलवे जोन्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन की हेडक्वार्टर की, तो ये गोरखपुर में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, भाई बेसिकली नेशनल स्पेस डे जो है चंद्रयान 3 जब हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, तो उसी दिन को पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे जो है ये घोषित कर दिया था। और आपको ये चीज़ याद रखना है ना, तो नेशनल स्पेस डे 23rd of August। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर MP। जो फर्स्ट स्टेट है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अनवेल्ड लोगो थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। बताइए इंडिया में जो अभी आपको पता है ना G20 समिट हुआ 2023 का, कौन सा एडिशन था, तो 18th एडिशन था, है ना। तो उसका लोगो थीम एंड वेबसाइट किसके द्वारा अनवील्ड किया गया था, ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द शेरपा ऑफ इंडियाज G20 2023। इंडिया के शेरपा कौन थे G20 2023 में, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, अमिताभ कांत या फिर नरेंद्र मोदी। तो अगर बात करें इंडिया के शेरपा कौन थे G20 2023 में, तो ये थे आपके कौन, अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि भाई लोगो आपको याद रखना चाहिए, लोगो जो था ये क्या था, लोटस था लोगो, LOTUS लोटस था इसका लोगो। और थीम मैं आपको बता देता हूँ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो था इसका थीम था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, गंगा, गोदावरी, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र। ये भैया आपके बसा है हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो कहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।